जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग अग्निवीर का पेपर दे चुके हो या देने वाले हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। भगवान करे कि ऐसा ही हो। वैसे 100% में से 95% मतलब ऐसा ही होने वाला है, आप लोग देख लेना। देखो, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जो अग्निवीर GD और ट्रेड मैन की भर्ती कराई जाती है वो सिंपल 10 पास से कराई जाती है, और जो मतलब क्लर्क की भर्ती कराई जाती है और इंडियन आर्मी ENA की भर्ती कराई जाती है उसमें 12 पास मांगता है। क्लर्क में मैथ होना जरूरी रहता है और ENA में बायोलॉजी होना जरूरी रहता है। अभी सभी लोग बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि जिन लोगों के पास NCC-C का सर्टिफिकेट है, देखो ये जो अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है ना, इसमें 2-3 तरह के लोग भर्ती देखने जा रहे हैं। एक तो ऐसा बंदा है जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है, अगर ITI का नहीं है तो NCC का सर्टिफिकेट है, किसी किसी के पास NCC-B का सर्टिफिकेट है, किसी के पास NCC-C का सर्टिफिकेट है और किसी किसी के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। तो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो लोग सोच रहे हैं कि वो जो एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है, जैसे जिन लोगों के पास NCC-B का सर्टिफिकेट है उन लोगों को 10 नंबर का छूट मिलेगा, और जिन लोगों के पास NCC-C का सर्टिफिकेट है उन लोगों को 20 नंबर का छूट मिलेगा, और जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो मतलब किस लेवल का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से बता दिया गया है कि कितना नंबर मिलेगा। जैसे नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है, मतलब सभी लोगों के मन में यही चल रहा है कि वो नंबर कब मिलेगा। अभी देखो यार, मतलब पता चला है ऐसा मतलब होने वाला है 95%, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि आर्मी में यार, जब पहले जैसे बाद में जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना, मतलब हमारे दिमाग में भी ऐसा चल रहा था, जब हम लोग ऑनलाइन कराने गए थे तो वहाँ पर जैसे स्कैन नहीं मांग रहा था, वहाँ पर बोल रहा था कि आपके पास NCC-B का सर्टिफिकेट है या NCC-C का सर्टिफिकेट है। तो हम लोग के बीच कुछ ऐसे भाई हैं, मतलब NCC-C का पेपर दे चुके हैं, अभी रिजल्ट तो निकला ही नहीं है, हम लोग के पास रिजल्ट आया ही नहीं है, बस पेपर दे चुके हैं और जैसे रिजल्ट हमारे पास नहीं है और हम बोल देंगे कि हमारे पास NCC-C का सर्टिफिकेट है, वहाँ पर ऑनलाइन कराते टाइम NCC-C का सर्टिफिकेट डलवा देंगे और इधर रिजल्ट निकलेगा तो पता चला कि हम NCC-C में फेल हो गए। तो फिर पहले जब जैसे आर्मी में मेरिट बनेगा, जब पहले हमारा NCC-C का नंबर जुट जाएगा और जब हम फेल हो जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, ये जो अग्निवीर GD और अग्निवीर ट्रेड मैन की भर्ती कराई जाती है तो इसमें 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। टोटल 50 प्रश्न रहते हैं और ये 50 प्रश्न 100 नंबर के रहते हैं, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। और जो मतलब क्लर्क का पेपर होता है और नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होता है और टेक्निकल के होता है, तो इसका सिलेबस दूसरा होता है। इसका सिलेबस मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन शायद इसका 200 नंबर का पेपर होता है, मतलब GD और ट्रेड मैन वालों का 100 नंबर का पेपर होता है और नर्सिंग असिस्टेंट वालों का और क्लर्क वालों का टेक्निकल वालों का 200 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें एक पासिंग नंबर होता है, जैसे देखो मतलब पास तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जब निकलता है ना, मतलब सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है, देखो अग्निवीर GD का और ट्रेड मैन का पासिंग नंबर शायद 35 नंबर होता है, मतलब 18 प्रश्न कर दोगे ना, 50 में से अगर 18 प्रश्न कर दोगे तो आप पास हो जाओगे, मतलब जैसे आपको दौड़ के लिए बुला जाएगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है भाई। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, B का सर्टिफिकेट है या NCC-C का सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या ITI का सर्टिफिकेट है, अगर आप पासिंग नंबर ला दोगे तो आपको दौड़ने का चांस मिलेगा। और आप लोगों को तो पता ही है आर्मी में दौड़ किस तरह से होता है, अभी पहले पेपर करा दिया गया है तो मतलब आगे का नहीं पता है, लेकिन तभी भी दौड़ में कंपटीशन कराएंगे सब। अगर GD और ट्रेड मैन के लिए पासिंग नंबर सिर्फ 35 नंबर रहता है, अब आप लोग ये नहीं सोच लेना ना कि 35 प्रश्न सही करेंगे तब जाकर पास होंगे, अगर 35 प्रश्न सही करोगे तो आपका 70 नंबर हो जाएगा, और मैं पासिंग नंबर का बात बता रहा हूँ। अगर आप लोग पास हो जाओगे, 35 से अधिक नंबर आ जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट है उससे मतलब छूट मिलता हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही बता दिया गया है कि स्पोर्ट वालों को इतना छूट मिलेगा, NCC वालों को इतना छूट मिलेगा और रिलेशन वालों को इतना छूट मिलेगा, तो मतलब जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उन सभी लोगों को दौड़ने का चांस मिलेगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है और बहुत जल्द न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ बनाने की ज़रूरत है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा ही हो। और देखो अग्निवीर जो क्लर्क वाला है और इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वाला है तो इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, मतलब पासिंग नंबर उसमें 80 नंबर रहता है, उसमें 200 नंबर का प्रश्न होता है ना, जैसे 200 नंबर का पेपर होता है तो उसमें पासिंग नंबर 80 नंबर रहता है। जो लोग 80 नंबर ला देंगे, शायद हम लोग का जो GD और ट्रेड मैन का पेपर होता है एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है और शायद नर्सिंग
पर्सनल असिस्टेंट और क्लर्क वाला से पहले बहुत पहले इसके बारे में जानकारी लिए थे, तो एक प्रश्न शायद 4 नंबर का रहता है, तो उन लोगों का पासिंग नंबर 80 नंबर लाना रहेगा, और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को भी दौड़ने का चांस मिलेगा। आप लोग एक बात नोटिस किए हो, अग्निवीर का पेपर देने सब लोग जा रहे हैं, चाहे किसी का हाइट 4 फुट हो, चाहे किसी का वजन मतलब 1 क्विंटल हो, सभी लोग पेपर देने जा रहे हैं। अगर मान लो वही लोग सिर्फ पेपर निकाल देंगे और वही लोग दौड़ में चले जाएंगे, मतलब ना हाइट रहेगा और ना दौड़ अच्छा से रहेगा, 1 क्विंटल के रहेंगे और पढ़ने में तेज रहेंगे, दिमाग उन लोगों का तेज रहेगा, तो फिर दौड़ में कंपटीशन होगा ही नहीं, फिर मतलब और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो शायद इसलिए जितने लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उन लोगों को सिर्फ पासिंग नंबर लाना है, अभी ऐसा सुनने को मिला है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया है और ना ही किसी न्यूज पेपर के माध्यम से बताया गया है। मेरे पास जैसे ही ये जानकारी आई है, मैं कुछ लोगों से चर्चा किया हूँ, कुछ अपने फौजी भाइयों से पूछा हूँ, तो वो लोग भी ऐसा ही बता रहे थे, तो मैं सोचा हूँ आप लोगों को भी बता दूँ ताकि आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी चालू कर दो। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ ये बताऊंगा, ये जो अग्निवीर का पेपर चल रहा है इसका रिजल्ट कब निकलेगा और रिजल्ट निकलने के बाद कितने तारीख से इसका दौड़ चालू हो जाएगा, मतलब पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ये जब सुनने को मिला है तो काफी अच्छा लगा है। अब मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 18 प्रश्न 19 प्रश्न तो सब लोग किए होंगे, अभी मैं भी 13 को तुक्का मार दिया हूँ, 30 को सही किया हूँ, तो पता नहीं माइनस में जाएगा या क्या जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को लड़कों के लिए बताया हूँ, और जितनी भी लड़कियां हैं ना जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, जब हम लोगों के साथ ऐसा किया जाएगा तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का पेपर हो गया है वो लोग वार्म अप करना शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ मतलब सभी लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया तो भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बंदा पेपर निकाल देगा ना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, तो भाई वो तो जी जान लगा देगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।